नस्ल के जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बुलंदी है। आज जो है पूरे देश में बेरोजगारी और निजीकरण का जो हालात बना है, इसको लेकर पूरे भारत के युवाओं के द्वारा जो रोजगार के सवाल पर, निजीकरण के सवाल पर अभियान चलाया जा रहा है, आंदोलन चलाया जा रहा है। 9:09 को लेकर ये जो मुहिम चल रही है, इसका सीधा सा मैसेज यह है कि निजीकरण और बेरोजगारी को लेकर पूरे देश भर में मुहिम चल रही है। मोदी सरकार से हमारी मांग है, मैं युवा हूँ, मुझे रोजगार चाहिए, तो रोजगार के नए पद सरकार सृजन करे। पिछले एक सालों से नौकरी के तलाश में हूँ। न हम लोग के लिए कोई सरकारी जॉब है और ना ही प्राइवेट जॉब है। हम लोग लगातार यही बिहार सरकार से भी मांग कर रहे हैं और केंद्र सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि हम लोग के लिए जॉब का प्रावधान किया जाए। टॉर्च और मोमबत्ती से हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हम केंद्र सरकार को चेताना चाहते हैं, मोदी सरकार को, अगर हमारी मांग नहीं मानती है और निजीकरण बंद नहीं किया और रोजगार युवा बहन भाइयों के हिंदुस्तान में रोजगार नहीं दिया, तो इसके लिए हमें मजबूरन बड़ा आंदोलन करना होगा और रोड पर आकर हम गांव-गांव ढाणी में पूरे हिंदुस्तान में प्रत्येक राज्य में रोडों पर आ जाएंगे। मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय। 18 में अपना IAC कंप्लीट करके और रेलवे और SSC की तैयारी कर रहा हूँ। हम जितना पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करके जॉब की तैयारी करते हैं, लेकिन हमें उस टाइप का जॉब नहीं मिल पाता है और वैकेंसी नहीं आ पाती है। हम मोदी सरकार से यही अनुरोध करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी निकाले और हम सभी पर ध्यान दे और हम सभी का नौकरी और हम सबका बेरोजगारी हटाए और हमें नौकरी दे। देश में बढ़ रहे बेरोजगारी और निजीकरण के विरोध में हम सरकार की आंख खोलने के लिए आज छात्रों के साथ खड़े हैं और उनके इस मुहिम में शामिल हो रहे हैं। जय हिंद, जय हिंद।